यू स्टूडेंट्स, टुडेज टॉपिक नियोनेटल इन्फेक्शंस। पिछले क्लास में हमने हाई रिस्क न्यू बोर्न जो रीजन थे या डिजीज थी वो सभी कंप्लीट किए हैं। अब नियोनेटल्स में एक जो डिजीज होती है या इन्फेक्शंस है तो हम उसको आज स्टार्ट कर रहे हैं। तो उसमें पहले लेते हैं हम नियोनेटल इन्फेक्शंस को, जनरल इंट्रोडक्शन एंड डेफिनेशन एंड जनरल ट्रीटमेंट के बारे में बताऊँगा कि जो इन्फेक्शन है किस प्रकार से हमें यूनिट्स में फैलता है। तो पहले इंट्रोडक्शन देते हैं। इंट्रोडक्शन में जो पेरिनेटल इन्फेक्शन है उसमें क्या होता है कि सबसे जो न्यूनेटल इन्फेक्शन में जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है वो न्यूनेटल में मोस्ट कॉमन होता है, जो मोर्टिलिटी रेट को बढ़ाता है। यानी जो न्यूनेटल इन्फेक्शन में जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है वो न्यूनेट्स में मोर्टिलिटी रेट को लीड करता है इन इंडिया, यानी इंडिया के अंदर मोर्टिलिटी रेट को बढ़ाता है। नेक्स्ट, इसमें जो उसके रीजन होते हैं मैन मैन, यानी ये इन्फेक्शन कहाँ से हो सकते हैं, तो उसमें पहला है कि ये इंट्रा यूट्राइन पीरियड या ड्यूरिंग डिलीवरी या पोस्टनेटल पीरियड के दौरान ये हो सकते हैं। और यूनिट्स में जो होते हैं ये क्या अति संवेदनशील होते हैं, और जब ये इंट्रा यूट्राइन लाइफ से बाहर आते हैं तब इनकी जो है इम्यूनिटी पावर काफ़ी कम होती है ड्यूरिंग इन्फेक्शन को रोकने के लिए। और जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है वो भी काफ़ी लेट डेवलपमेंट होती है, जिसके कारण से ये जो इन्फेक्शन है जो एंटी यूट्राइन पीरियड है जो या ड्यूरिंग डिलीवरी है या पोस्टनेटल पीरियड के दौरान आसानी से हो सकता है। तो अब लेते हैं हम इसकी जो नेक्स्ट डेफिनेशन। डेफिनेशन में क्या होता है, डेफिनेशन में यही है कि ये जो बैक्टीरिया है इनविजिबल होते हैं, अनकंट्रोलेबल होते हैं, और इनकी जो ग्रोथ है जो पैथोजेनिक माइक्रोऑर्गेनिज्म की इन बॉडी ऑफ नियोनेट नाउ इज नियोनेटल इन्फेक्शन। यानी इनकी जो ये इनविजिबल होते हैं, इनविजिबल एंड अनकंट्रोलेबल ग्रोथ पैथोजेनिक माइक्रोऑर्गेनिज्म इन द बॉडी ऑफ नियोनेट नाउ एज नियोनेटल इन्फेक्शन। जो जो बैक्टीरिया है ये दिखाई नहीं देते और ये अनकंट्रोलेबल ग्रोथ होती है कि यदि ग्रोथ रोक नहीं सकते अगर बढ़ गई तो, जो न्यूनेटल को इन्फेक्शन का कारण बनते हैं। अब लेते हैं इसमें कि जो सोर्सेज होते हैं वो कौन कौन से होते हैं सोर्सेज ऑफ न्यूनेटल इन्फेक्शन। पहला है इसमें एंटीरेटर, दूसरा है इंट्रारेटर, थर्ड है पोस्टनेटल। तो ये तीन जो सोर्सेस है हमारे न्यूनेट्स में जो इन्फेक्शन को बढ़ाते हैं या इनके जो भी इन्फेक्शन की शुरुआत होती है वो पहले है एंटीनेटर। यानी एंटीनेटर में जो इन्फेक्शन है जो इंट्रा यूट्राइन ड्यूरिंग हो सकता है उसमें पहला इन्फेक्शन ही आता है कि स्टोन्स। इसमें जो इन्फेक्शन होते हैं वो जैसे कि मलेरिया, मलेरिया ट्यूबरकुलोसिस, हेपेटाइटिस, एचआईवी, ये सभी इन्फेक्शन दोनों बगल में आ जाते हैं। नेक्स्ट है इसमें साइटो माइलोसिस, लास्ट है अर्थस सिंप्लेक्स। तो ये जो है एंटीनेटल पीरियड्स के दौरान इन्फेक्शन होते हैं इंट्रा यूट्राइन पीरियड्स में। ऐसे ही सिफिलिस, टॉक्सोप्लास्मोसिस, रूबेला, जोनोकोकल इन्फेक्शन में रिजल्ट है ट्यूबरकुलोसिस, हेपेटाइटिस, एचआईवी एंड टाइफाइड, सॉरी मलेरिया और साइटोमाइकोसिस में इन्फेक्शन है, और लास्ट है हर्पस सिम्प्लेक्स। तो ये स्पॉट जो इन्फेक्शन है इंट्रा यूट्राइन में होता है। नेक्स्ट होता है कि
एक्सीडेंटल इन्फेक्शन जो कि ऐसे जो कि कॉन्टामिनेटेड होती है ल्यूकर एमिनिया के द्वारा, यानी तरल पदार्थ के लेने के कारण ये असेंडिंग इन्फेक्शन होता है जो एमिनोनाइटिस को लीड करता है। एमिनोनाइटिस नाइटिस को लीड करता है, यानी इंट्रा जो अर्ली मेम्ब्रेन ऑफ अर्ली रैप्चर मेम्ब्रेन इंट्रा यूट्राइन वाली, यानी इंट्रा यूट्राइन जो मेम्ब्रेन है, सॉरी इंट्रा अर्ली रैप्चर मेम्ब्रेन होता है जिसके कारण से जो लीड करता है इंट्रा यूट्राइन फीटस को। तो ये एमिनोनाइटिस जो है ये इन्फेक्शन का एक रीजन होता है, इसमें असेंडिंग इन्फेक्शन और तरल पदार्थ के कारण लिक्विड होने से जो इंट्रा यूट्राइन या प्रोटोन लेबर के द्वारा दी जाती है, पीरियड के द्वारा जो लिया जाता है। नेक्स्ट में लेते हैं इंट्रा नेटल जो रीजन है सोर्सेज हो गई, इंटरनेटल सोर्सेज में पहला है इंट्रा एस्पिरेशन न्यूमोनिया, ये किस रीजन से होता है क्योंकि प्रोलोंग लेबर के दौरान एस्पिरेट करते हैं जो लिक्विड पदार्थ है, इसके कारण से क्या होता है कि लंग्स में काफ़ी जो तरल पदार्थ या एब्डोमेन में जो इकट्ठा हो जाता है जिसके कारण से एस्पिरेट निमोनिया हो जाता है। नेक्स्ट इसमें वेजाइनल इन्फेक्शन, इंट्रानेटल पीरियड के दौरान क्या है कि बार बार जैसे डिलीवरी के दौरान बार बार जो चेकअप होता है वजह का, इसमें मेन रीजन होता है कि जो मेम्ब्रेन है रैप्चर हो गई तो वो इन्फेक्शन का रीजन होता है इंट्रानेटल पीरियड। नेक्स्ट लेते हैं ऑरेंज रस एंड ऑप्थाल्मिक न्यूरोनेट्रल, यानी इंटरनेटल पीरियड में ऑरेंज रस और ऑप्थाल्मिक न्यूरोनेट्रल इन्फेक्शन भी हो सकता है जिसको लीड जो मेन लीड करता है डिलीवरी पासेस, यानी डिलीवरी पासेस के दौरान ये इन्फेक्शन हो सकते हैं। थर्ड फोर्थ एंड लास्ट कहते हैं अमेरिकन सेप्सिस, ये जो इन्फेक्शन है इंटरनेटल पीरियड के दौरान सोर्सेस के कारण होता है, इसमें है लास्ट अमेरिकन इसको हम ऑन्फिलेराइटिस भी कहते हैं, जिसके बारे में हम धीरे से आगे से थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। तो आज अभी तो मैं सिर्फ इतना बताऊं कि ये इन्फेक्शन जो है जो इंटरनेटेड प्रोग्राम द्वारा होते हैं। थर्ड लेते हैं पोस्टनेटल, पोस्टनेटल में क्या होता है, फर्स्ट केस में ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन, यानी ट्रांसमिशन जैसे कि आप तथा बट बेबी को वो बाय फैमिली के द्वारा या हेल्थ जो प्रोवाइडर है या डॉक्टर्स है इन्हीं के द्वारा या हैंड के द्वारा हो सकता है। दूसरा है क्रॉस इन्फेक्शन, क्रॉस इन्फेक्शन जिसमें नो बेबी यूज किए जाते हैं और जो यूनिवर्सल प्रिकॉशन है वो भी यूज नहीं किए जाते, तब ये क्रॉस इन्फेक्शन होता है। थर्ड इसमें रहता है कि जो इन्वेसिव प्रोसीजर है, इन्वेसिव प्रोसीजर जो है पोस्टनेटल पीरियड के दौरान जैसे कि न्यूनेट्स की कटिंग ऑफ द स्किन्स या कोई इंस्ट्रूमेंट्स को पास करते हैं किसी एग्जामिनेशन के लिए जो यूज किया जाता है उसके द्वारा जो इन्फेक्शन होता है उसे कहते हैं इन्वेसिव द्वारा जो इन्फेक्शन होगा, इन्वेसिव प्रोसीजर के द्वारा जो इन्फेक्शन होगा। इन्फेक्टेड इन्वायरमेंट, इन्फेक्टेड इन्वायरमेंट में क्या होता है जो इन्फेक्ट इन्वेट की तरफ जो इन्वायरमेंट है अराउंड इन्वायरमेंट, यानी जैसे कि हॉस्पिटल्स का है चाहे वो होम्स का है या वो किसी हेल्थ सेंटर का क्यों ना हो। अब है तो ये जो हो गए इन्फेक्शन के सोर्सेज आपके एग्रीगेटर इंटरनेटर एंड पोस्टनेटर के कारण सोर्स के कारण इन्फेक्शन जो होता है। आगे हम इसमें सभी डिजीज को डिटेल में लेंगे वन बाय वन। पहले मैं आपको इसके फैक्टर्स बता देता हूँ इन्फेक्शन में कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं जो रेस्पॉन्सिबल होते हैं, फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल इन्फेक्शन।
पहला है लो बर्थ वेट, दूसरा कॉन्जेनिटल एब्नॉर्मलिटीज, बर्थ एनोरेक्सिया, रीसक्सुटेशन, यानी इनके द्वारा हम बच्चे में इन्फेक्शन हो सकता है। और भी रीजन्स होते हैं इसमें, जैसे कि कंटामिनेटेड इंट्रायुट्राइन एनवायरनमेंट लाइक प्रोलॉन्ग रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, अनहाइजीनिक एंड मल्टीपल वेजाइनल एक्सटेंशन, निमोनिया, स्टेंट रिक्वायर्ड, इन्फेक्टेड बर्थ पासेज एंड इन्फेक्शन बर्थ डिलीवरी रूम एंड न्यूट्रल केयर यूनिट्स, यानी जब डिलीवरी होती है तो भी बच्चे को इन्फेक्शन आ सकते हैं और जो न्यूट्रल केयर यूनिट है, जो एनवायरनमेंट है, उसके द्वारा भी बच्चे को इन्फेक्शन हो सकता है। वेरियस न्यूट्रल प्रोसीजर, जैसे कि प्रोसीजर में आई फ्लूड्स है या प्रीनेटल मेडिकेशन है, असिस्टेंट वेंटिलेशन से, एक्सेल ब्रेड ट्रांसमिशन, इनके द्वारा भी इन्फेक्शन बच्चे में हो सकता है, जो फैक्टर होते हैं इनके। सेक्स ऑफ द बेबी, दूसरे की मेल्स में बताते हैं, सॉरी होता है कि मेल्स में इन्फेक्शन ज़्यादा होता है फीमेल के बेबी के प्रति, क्योंकि और फीमेल बेबी में सिर्फ टू टाइप्स ही इन्फेक्शन होता है। उसका पहला रीजन तो एक तरह से और ये कहलाता है कि एक्स जो क्रोमोसोम वो प्रिवेंट करते हैं इन्फेक्शन से फीमेल बेबी को, मेल बेबी की अकॉर्डिंग। तो ये आपके फैक्टर हो गए रेस्पॉन्सिबल होते हैं जो इन्फेक्शन में न्यूनेट में। तो ये आपके न्यूनेट इन्फेक्शन कंप्लीट हुआ है। अब लेते हैं हम डिजीज सभी की स्टेप बाय स्टेप, जो कि कल लेंगे। थैंक यू एवरीवन।